हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं मेरे सभी ब्यूटीफुल डिवाइंस? मैं हूं पूजा त्यागी, साइकिक टैरो रीडर, आपके लिए लेके आती हूँ रोज मैं बिल्कुल रेगुलरली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट इमोशंस आपके लिए। और इस रीडिंग का आप सभी वेट करते हैं इवनिंग में, आई नो दैट, सो आई मेक श्योर दैट आई कम विद दिस रीडिंग एंड होल हार्टेडली आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ, कोशिश करती हूँ सभी इनसाइट्स आप तक पहुँचें। सेम आज भी करने वाले हैं एंड जैसा कि मैं कहती हूँ, काम हो जाइए, एकदम अपनी आंखें बंद कीजिए, पार्टनर की छवि अपने मन में लाइए और उनका नाम 3 बार लीजिए, ठीक है? नाम आप उनका पूरा भी ले सकते हो, अगर आप उनको किसी प्यार भरे नाम से बुलाते हो आप उस नाम को भी ले सकते हो। पॉइंट ये है कि आपको उनके एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करना है, दैट इज ऑल, ओके? चाहे आप कैसे भी करो। सो लेट्स सी आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचे हैं सुबह से, उनके मन में क्या भावनाएं थी आपके लिए, अच्छी थी बुरी थी, जो दिखेगा मुझे कार्ड पे मैं आपके साथ सभी कुछ शेयर करूंगी। ये 10 मिनट जो मैं रीडिंग करती हूँ, प्लीज इसमें कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, फोकस रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। एंड क्योंकि जब आप इस चीज को बहुत ही काम माइंड से सुनोगे ना, तब सारी जो ये इंसाइट्स हैं दैट विल मेक सेंस एंड कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग से मैक्सिमम हेल्प मिल पाएगी। कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज द 10 of Pentacles, देन आई एम गेटिंग द 4 of Wands, ओके? The next card is, oh my god, I'm getting the 10 of Swords. Then I'm getting the King of Pentacles. Next card aa raha hai King of Cups. Sabse pehle sare cards pull out karenge. I'm also getting the Strength card. Next card is the Queen of Wands. Okay, uske baad card aa raha hai दो 7 of Pentacles, एम्प्रेस का भी कार्ड आ रहा है विच इज अ गुड साइन, टॉवर कार्ड आ रहा है, माय गॉड, देन आई एम गेटिंग द 7 of Wands एंड द फाइनल कार्ड इज द मून, द मून, द मून। पार्टनर सुबह से बहुत एंक्शस है आपका, बहुत एंक्शस, जंपी, बहुत ज्यादा, ओके? पार्टनर जो है ना बहुत डरा हुआ भी है, जैसे कि ना एक मन में इनसिक्योरिटी आती है ना, शायद आपको खो देने की इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि चीजें बहुत खिंच गई हैं, कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब ये आपको लूज भी कर सकते हैं। मुझे पार्टनर बहुत एंग्जाइटी में दिख रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको डिसीव किया है, गलत फहमी में आपको रखा है, गलत बातें बता के आपको रिलेशनशिप में उन्होंने इनिशियली रखा, एंड जब आपने सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं पार्टनर ने आपको घोस्ट किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन खुश नहीं है, एंग्जाइटी में है, फियर में है, इनसिक्योरिटी में है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हो इस चीज पे, दैट यू आर नॉट बजिंग दिस टाइम। आप इस वक्त अपने पार्टनर को इस बार आप अपने पार्टनर को बहुत ही साफ साफ शब्दों में कह रहे हो दैट यू वांट थिंग्स टू इंप्रूव और यू विल मूव आउट ऑफ इट। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डरा हुआ है, एंग्जाइटी में है, और अगर ऐसा नहीं भी है आपकी तरफ से तो भी आपका पार्टनर ना इस पूरी सिचुएशन से जो इतना खिंच गई है, इतने समय से चल रही है ना, इसको लेकर थोड़ा डिप्रेसिव हो रहा है, ओके? आप दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट बहुत रिसेंटली हुआ है, धक्का लगा है आपको, कहीं ना कहीं ऐसा लगा है जैसे कि कयामत आने की फीलिंग होती है ना, कि ओ माय गॉड मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। एक वो जो फीलिंग होती है ना जिसमें आप विश्वास नहीं कर पाते कि मेरे साथ क्या इतना बुरा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आज मुझे व्यूअर आप उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, इतना बुरा, इतना कैओस हो सकता है मेरे साथ, क्या ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ, ये सवाल पूछ रहे हो आप खुद से, ईश्वर से, कायनात से, डिवाइन से, हर किसी से आप ये सवाल पूछ रहे हो कि व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस, ओके? एक तरह से डिस्ट्रक्शन का ये कार्ड है, यानी कि आपका जो सपनों का महल था आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो रेत पे बनाया था, एंड समवेयर जैसे कि रेत शिफ्ट हुआ वैसे भी ये भी टूट गया, ओके? ऊपर से बहुत ऊंचाई से गिर के नीचे धरातल पे आ गए हो ऐसा लग रहा है, कहां तो एकदम उड़ रहे थे और कहां तो आज बिल्कुल धरती पे गिरे पड़े हो आप। जानते हो कैसी हालत में हो आज आप, कौन सा कार्ड है जो इतना क्लियरली मुझे दिखा रहा है कि आप किस एनर्जी में हो आज की तारीख में? होल्ड योर ब्रेथ, जस्ट लुक एट दिस कार्ड एंड टेल मी, aren't you in this energy right now? This is the card, 10 of Swords. आज आप इस हालत में हो, बिल्कुल हताश, हारे हुए, एंड वापस ना चीजें शुरू करने का मन भी नहीं कर रहा आपका,
यू नो वो डेस्पिरेशन थी ना, जल्दी से पार्टनर को कॉल करूं, जल्दी से चीजों को ठीक कर लूं, वो डेस्पिरेशन भी नहीं है। अब तो लग रहा है कि हारे हुए बस पड़े रहो, कोई एक्शन लेने का मन नहीं कर रहा, कोई पार्टनर से मिन्नतें करने का मन नहीं कर रहा, कोई मनाने का मन नहीं कर रहा। बस आपने वो वाला एक एटीट्यूड हो गया है कि बस अब मुझे उठना ही नहीं। ओके, डेंजरस है ये एनर्जी, उठना तो आपको पड़ेगा, लेकिन मैं आपको करंट सिचुएशन आपकी बता रही हूं कि कैसा आप इस वक्त महसूस कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो पार्टनर अपने आप को लोगों से दूर कर रहा है। ये पार्टनर ये समझ नहीं रहा है आपका कि जितना ये दुखी महसूस कर रहा है ना, वो इसलिए महसूस कर रहा है क्योंकि ये आपसे अलग हो चुका है। साइलेंटली सफर कर रहा है आपका पार्टनर, कहीं ना कहीं रीयूनियन का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक्शन आपकी तरफ से चाहता है ऐसा लग रहा है। आपकी तरफ से एक्शन इसलिए चाहता है ऐसा इसलिए भी मुझे लग रहा है क्योंकि पर्सन वेटिंग मोड में है, एक्शन लेने के मोड में नहीं है। तो पर्सन वेट कर रहा है, आप कॉल करोगे, आप कॉल करोगे, आप दिखा आपको ऐसे रहा है कि इसे फर्क नहीं पड़ता, आप करो नहीं करो, मैसेज करो नहीं करो, बात करनी है नहीं करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीजों को, पर ये सच नहीं है। पार्टनर को फर्क भी पड़ता है, पार्टनर वेट भी कर रहा है, पार्टनर कहीं ना कहीं चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है पहल आप करो। जैसे कि हमेशा से आप करते आए हो, वैसे इस वक्त भी ये चाहता है कि आप ही पहल करो। ये पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वेट ही करता रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या ऐसा है, क्या ये जो कार्ड कह रहा है कि पार्टनर वेट कर रहा है, क्या ये आगे भी इस वेटिंग मोड में ही रहने वाला है, क्या खुद से कभी एक्शन नहीं लेंगे? देखो, क्या पार्टनर खुद से एक्शन लेगा, इसके लिए दो कार्ड यहां पर हैं जो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि काम तो आपके पार्टनर का आपके बिना चलना नहीं है, और ये आपके पार्टनर भी जानते हैं। कहीं ना कहीं आप भी अपने मन में जानते हो कि पार्टनर तो लौट के आएगा, क्योंकि द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑफर इनकी तरफ से आएगा। हाँ, अभी एनर्जीज दुख की हैं, अभी एनर्जीज ईगो की हैं, एरोगेंस की हैं, लेकिन आपका जो आप इनके लिए एक गाइडिंग स्टार हो, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत हो व्यूअर। अब आपने अपने आप को ऐसा पॉजिटिव इनके लिए कैसा एनर्जी सोर्स बनाया ये तो आप ही को पता होगा, बट दिस पर्सन नीड्स यू, दिस पर्सन इज ऑल्सो को डिपेंडेंट ऑन यू। जितने आप इन पे डिपेंडेंट हो, उतना ये पर्सन भी आप पे डिपेंडेंट है। आपका इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे काफी ज्यादा है। ओके, आपने ऐसे कई ऑब्स्टेकल अपने पार्टनर के लिए उनको क्लियर करके दिए हैं। होता है ना कि हम सड़क पे जा रहे हैं और वहां पे हमें कुछ ब्लॉकेजेस दिखी, तो आपने उतर के गाड़ी से अपने पार्टनर के लिए चुन चुन के एक एक पत्थर साफ किया है। ऐसा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, ऐसा कहीं ना कहीं आपका आपके एनर्जी से दिखाई दे रहा है। यू हैव हेल्प दिस पर्सन, यू हैव ट्राई टू मोटिवेट दिस पर्सन। अगर फाइनेंशियली हेल्प कर सकते तो फाइनेंशियली किया है, जो लोग अपने पार्टनर की हेल्प फाइनेंशियली नहीं कर सकते थे उन्होंने मॉरली हेल्प की है। ये पर्सन बहुत बार आपके कंधों पे रोया है, उसको जरूरत थी आपके, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो उस पर्सन के लिए। वो एनर्जी के खातिर, फॉर द सेक ऑफ दैट ब्यूटिफुल फीलिंग जो ये पर्सन आपसे डिराइव करता है, उसके लिए वो आपके पास आ सकता है, उसके लिए आपके पास आएगा, इस तरीके का ये कार्ड है। ओके, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, सबके लिए सेम आउटकम आए ये जरूरी नहीं है, आप सभी रेजोनेट भी कर जाए ये भी जरूरी नहीं है, बट ये कलेक्टिव एनर्जीज जो है कार्ड्स की वो यही दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को फिर से जान आने वाली है, रिलेशनशिप फिर से नर्चर होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ आपकी एक मीटिंग भी मुझे संभव लग रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पार्टनर जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फिर से चाहे आपके रिलेशनशिप की हो जाए, फिर से स्टेबिलिटी लाना चाहता है पार्टनर आपका इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है, फिर से सिक्योरिटी लाना चाहता है ऐसा लग रहा है। जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी शादी में ब्लॉकेजेस हैं फॉर ड्यू टू द पार्टनर्स फैमिली और योर फैमिली और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर पार्टनर्स, वो गांठें भी मुझे खुलती दिखाई दे रही है, यानी कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करने वाली है। ओके, एक्शन आपके पार्टनर की तरफ ही लाया करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए सेटिंग एक अच्छी यूनिवर्स करके देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है। आप थोड़ी जिस सिचुएशन में आप अभी हो ना व्यूअर, उस सिचुएशन से, उस इमोशनल अपहीवल से, इस तरह की नेगेटिविटी से तो आप निकलोगे, ऐसा ये कार्ड अश्योर हमें कर रहा है द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखा रहा है कि लाइफ में कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जेनरोसिटी, आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट फिर से आपकी जिंदगी में लौट सकता है। ओके, फिर से आ सकता है। इट्स अ वेरी वेरी बिग यस दैट आई सी फ्रॉम द कार्ड्स। ओके,
मुझे यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, देखिए 3 वीक से लेके 3 मंथ्स का समय आपको यहाँ पे अभी और लग सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं स्टेप लेने में, एक्शन लेने में। हालांकि फिलहाल आपका पर्सन यही होप कर रहा है कि आप इनको कॉल करो, आप इनको रीच आउट करो। ओके, ये थी आज की फीलिंग आपके पार्टनर की आपके लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना, अगर मुझे फॉलो बैक और सब्सक्राइब अब तक नहीं करते हो वो भी कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।